गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट है आपका हिंदी भाषा कुटीर। भाषा कुटीर में हमने हिंदी फर्स्ट भाषा कुटीर में हमने लेसन फोर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन फाइव। लेसन फाइव में क्या हमारा सीखो। आज हमारी डेट कितनी है 11। तो है सीखो, क्या क्या फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। क्या कह रहा है हमें, फूलों से क्या हमें हंसना सीखना चाहिए और भौरे जो होते हैं उनसे रोज गाना सीखना चाहिए। जो तरु होती हैं, जो पेड़ होते हैं, उनके जो झुकी डालियाँ होती हैं उनसे हमें शीस झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंक से ले हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कह रहे हवा के झोंकों से हमें हिलना और जगत को हिलाना सीखना चाहिए। और हमारे दूध और पानी कहते हैं ना, दूध और पानी जैसे मिल जाता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। और उसे कहते हैं मिलना और मिलाना, दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। कि दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता ना, उसी तरह हमें लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गला लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ से पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। क्या कह रहा है, सूरज की किरणों से हमें सीखना चाहिए उठना और मतलब जगना और जगाना। क्या कहते हैं, सूरज सुबह सुबह जग जाता है, सूरज निकल आता है, उसी तरह हमें जब सूरज उगता उसी तरह हमें जगना चाहिए और हमें लोगों को जगाना भी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको, लता जो होती हैं क्या, पेड़ों की जो लताएं होती हैं एक दूसरे से चिपकी होती हैं उसी तरह सबको गले लगाना चाहिए। जैसे लता, इसीलिए कह रहे हैं लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर, क्योंकि मछली से सीखना चाहिए हमें स्वदेश। तो जब मछली को पानी से निकाल लिया जाता है वो तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह हमें अपने स्वदेश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज, जैसे पतझड़ में क्या होता है पौधों से पूरे पत्तियां गिर जाती है लेकिन वो फिर भी धीरज रखते हैं, उस तरह पतझड़ पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमें दुख में धीरज कैसे रखना चाहिए। हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें प्राणी की कैसे सच्ची सेवा करनी चाहिए। कि पृथ्वी होती है प्राणी की हमेशा सेवा करती है, वो सब कुछ पृथ्वी से ही तो हमें सब कुछ खाने पीने का मिलता है, उसी तरह पृथ्वी से सीखना चाहिए लोगों की सच्ची सेवा कैसे करना चाहिए। दीपक से सीखना चाहिए अंधेरा में, हमें जितना हो सके हमें अंधेरा मिटा कर रखना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारा हमेशा अंधेरा मिटाता है ना, उस तरह दीपक से सीखना चाहिए अंधेरा मिटाना चाहिए, सबका अंधेरा हरना चाहिए जितना हो सके। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़, कहते जलधारा होती है ना सीधे आगे तक बढ़ती रहती, उसी तरह हमें भी आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, हमें धुएं से सीखना चाहिए हमें ऊंचाइयों पर हमेशा चढ़ना चाहिए। धुआं होता है हमेशा ऊपर उठता रहता है ना, उससे हमें हमेशा ऊपर ही चढ़ना चाहिए, ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।